नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप, उमस भरा वातावरण और तापमान, जगह जगह पानी के स्रोतों से भरपूर पानी, तेज धूप, ये सारी परिस्थितियां मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए आदर्श हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप है और ये मच्छर डेंगू चिकनगुनिया से लेकर वायरल फीवर जैसी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। कुछ मामलों में मरीज को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ा है। इंदौर में एक मरीज की मौत भी रिकॉर्ड की गई। वायरल भी बहुत तेजी से फैल रहा है और घरों घर वायरल के मरीज देखे जा रहे हैं। सबसे बेहतर उपाय तो ये है कि अपने आसपास साफ सफाई इतनी रखिए कि मच्छर पनप ही ना पाए। मच्छरदानी से लेकर मच्छर दूर रखने के सारे उपाय किए जाने चाहिए। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए, नियम संयम से रखना चाहिए। बचाव और सुरक्षा सबसे बड़ा उपाय है। अलग अलग क्षेत्र में डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के क्या हालात हैं, इसका जायजा लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ किस तरह के मरीज पाए जा रहे हैं। इसको लेकर हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं, वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद अब डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप चरम पर है। भोपाल में तो चिकनगुनिया की पॉजिटिविटी बढ़कर 16% तक पहुंच गई है। इंदौर में 6 साल बाद फिर से चिकनगुनिया ने दस्तक दी है। इस बार शहर में अब तक 18 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। पीड़ित मरीजों में तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और सूजन जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। इन लक्षणों के कारण मरीजों को चलने फिरने में भी मुश्किल हो रही है। चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, जो दिन में अधिक सक्रिय होते हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों में तेज बुखार, जोड़ों में सूजन, एड़ी और पैरों में दर्द, हाथ पैरों में लाल चकत्ते देखने को मिलते हैं। कुछ मामलों में शरीर में सूजन भी हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होने के कारण मरीजों को कमजोरी महसूस होती है और बीमारी का असर 4 से 6 दिन तक रह सकता है। डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। इस सीजन में भोपाल में 400 और इंदौर में 410 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में एक एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। बहुत से मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें मरीजों की प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन खून की जांच करने पर मरीज डेंगू पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ वायरल फीवर भी फैल रहा है। घरों में हर मरीज मिल रहे होंगे। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक वायरल की चपेट में आ रहे हैं। खास बात ये है कि वायरल के मरीजों में भी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। हड्डी में दर्द हो रहा है, लेकिन जांच करने पर बीमारी नहीं निकल रही है। बारिश के मौसम के जाने के बाद मच्छर काफी ज्यादा पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। ये मच्छरों के काटने से फैलने वाली खतरनाक बीमारियां हैं। इन दिनों इन बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इनसे बचाव का उपाय साफ सफाई और मच्छरों से दूरी है। तो ऐसी बीमारियां हैं, इन दिनों पनप रही हैं और मच्छर की वजह से ये परेशानियां हो रही हैं। और मच्छर हो क्यों रहे हैं? क्योंकि आप अपने आसपास जो साफ सफाई है वो नहीं रख रहे हैं। डेंगू के लक्षण क्या हैं? आप टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे करीबी देख सकते हैं, आपको एक बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। और इन तमाम लक्षणों को आप भाप लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से जहन में रख लीजिए। अगर ऐसे किसी भी लक्षण का आप शिकार हैं तो आपको बहुत जल्दी ही अभी के अभी डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये डेंगू है तो बहुत तेजी से आपके प्लेटलेट्स डाउन होंगे। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस बात को आप बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखें कि ये छोटी बीमारी नहीं है। चिकनगुनिया डेंगू जानलेवा हो रहा है, लोगों को आईसीयू तक एडमिट होना पड़ रहा है। और इसलिए हम चर्चा भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। देखिए, पैनिक नहीं, लेकिन हाँ, समझदारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है ऐसी बीमारियों से बचने के लिए। और नियम, अनुशासन, संयम, ये बेहद ज़रूरी है। नियम ये कि आप अपने आसपास जो है साफ सफाई रखें, पानी कहीं पर भी भरा हो पुराना उसको हटा दीजिए, गमलों में हम पानी छोड़ देते हैं उसे साफ रखिए। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं, इन मच्छरों को नहीं पनपने देती हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो। और उसके अलावा अनुशासन ये कि आप
अगर आसपास आपके मच्छर हैं तो उसका उपाय कर लीजिए पहले तो, और अगर खान पान में अनुशासन नहीं है तो खान पान में अनुशासन लेकर आइए, संयम बरतिए। देखिए बहुत ज़रूरी है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर इतना आपको ईजी लगने लगा है कि आप भूल गए हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी सेहत को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हैं। हेल्दी फूड, अच्छा खाना स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। चलिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि डेंगू चिकनगुनिया के किस तरह के मरीज मिल रहे हैं और कहाँ क्या आंकड़ा है। रिजवान हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, योगेश हमारे साथ इंदौर से, सोमनाथ जबलपुर से जुड़ेंगे, अजय शर्मा हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे हमारे साथ जैसे वो जुड़ते हैं। रिजवान सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, राजधानी भोपाल में चिकनगुनिया डेंगू ये हम देख रहे हैं कि नए भोपाल की बनस्पत ओल्ड भोपाल में ज़्यादा इस तरह के पेशेंट सामने आ रहे हैं, और वहाँ पर अगर इस तरह के पेशेंट सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर कारण क्या बताया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में आंकड़ा क्या है और इन पेशेंट्स को रखने के लिए व्यवस्था क्या है? देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पतालों में करीब 1500 से 2000 मरीज जो है रोज पहुंच रहे हैं। ये जेपी अस्पताल, हमीदी अस्पताल और कार्डजोर शाकिर अली का आंकड़ा है। साफ तौर से काफ़ी चिंताजनक आंकड़ा है, 1500 से 2000 मरीज जो है लगातार रोज जो है वायरल फीवर के जो है अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, और आसपास से जो है गंदगी को लेकर जो है ये बड़ा वायरल जो है छिड़ा हुआ है भोपाल में। साफ तौर से जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और तमाम जो जिम्मेदार विभाग हैं उनकी तरफ से जो है जागरूकता अभियान भी इसको लेकर चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से एक बड़े जो है वायरल फीवर के जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजधानी भोपाल में। चिकनगुनिया के भी मरीज जो है, मलेरिया के मरीज जो है और जो वायरल फीवर के जो अलग से जो मरीज हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब जो है स्पॉट फाइन की जो है बात कही जा रही है। हालांकि हमने देखा था पिछले कुछ दिन पहले नगर निगम ने जो है स्पॉट फाइन भी किया था, जहाँ पर गंदगी हो रही है और जहाँ पर पानी जो है लंबे समय से भरा हुआ है उसको लेकर जो है नगर निगम की तरफ से जो है जिला प्रशासन की तरफ से जो है टीम बनाई गई थी और चालानी कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन उसका भी असर जो है अब भोपाल में देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। साफ तौर से पिछले कुछ दिन पहले एक बड़ा निर्णय कलेक्टर भोपाल ने लिया था, उनका साफ तौर से कहना था जो लंबे समय से जो है प्लॉट खाली पड़े हुए हैं और उनके ऊपर जो है उनमें पानी भरा हुआ है, उन मालिकों पर भी कानूनी जो है चालानी जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई देखने को नहीं मिली और अब जो है पिछले एक हफ्ते से लगातार मरीज जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का भी यही कहना है जो 5 साल से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वायरल फीवर है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है उनमें कम होती है जिसकी वजह से वो जल्दी जो है बीमार होते हैं। साफ तौर से डॉक्टर्स का कहना है अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करें, आसपास गंदगी ना होने दें और जो भी सावधानी है वो बरतें ताकि आंकड़ों में जो है कमी आ सके। हालांकि भोपाल कलेक्टर का कहना है लगातार जागरूकता अभियान इसको लेकर हम चलाएंगे और अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो भी अगर इस तरह के आसपास गंदगी करता है उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। जी, और ये भी ज़रूरी है कि थोड़ी सी समझदारी भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इस बात को लोग अनजाने में लेते हैं या फिर जानकर भी अनजान बनते हैं कि आसपास आपके ये सब चल रहा है और आप आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, और कई बार ये भी होता है रिजवान कि आवाज़ भी उठाइए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्षद कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही नगर निगम में, कई बार अलग अलग जगहों पर इस तरह की भी स्टोरीज रही हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ, लौटूंगी आपके पास, कुछ और भी आपसे जानकारी लेंगे बाद में। इंदौर की तरफ रुक कर लेते हैं, इंदौर में योगेश क्या हाल है डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों के, और क्या जिस तादाद में हम भोपाल से रिजवान से सुन रहे थे वो बढ़ रही है या फिर इंदौर में कुछ कंट्रोल कर पाया है प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग? देखिए परुल, भोपाल से तो थोड़ा कम संख्या है डेंगू के मरीजों की, लेकिन डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी होना चाहिए उतनी कमी नहीं है। हाँ, बड़े हुए आंकड़े जरूर है कि जिस हिसाब से विभाग को काम करना था, अगर विभाग आंकड़े बता रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आंकड़े बढ़े हुए हैं, जिस हिसाब से इंदौर में कम होना चाहिए, तो इसका सबसे बड़ा सीधा कारण ये है कि इंदौर नगर निगम और जो विभाग है, जो सफाई के लिए जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं गंदगी है, कहीं ना कहीं मच्छर पनप रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर लोगों पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इन दोनों नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, गरबा उत्सव चल रहा है, जगह जगह सार्वजनिक पंडाल लगे हुए हैं। जहां सार्वजनिक पंडाल लगते हैं पारुल, उस जगह पर या तो उस जगह पर या गंदगी होती है या कहीं ना कहीं मैदान को साफ किया जाता है, तो मैदान साफ करने के दौरान जो वहां पर झाड़ियां होती है उसको काटकर वहीं पटक दिया जाता है, इस कारण से वहां पर ही मच्छर पनपते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं वहां आसपास गंदगी है और गंदगी होने के कारण से मच्छर पनप रहे हैं और मच्छरों के कारण से डेंगू हो रहा।
चिकनगुनिया से ज्यादा मरीज डेंगू के आ रहे हैं और डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है, शहर के नागरिक भी चिंतित है और लगातार शहर के जो नागरिक है उस सोशल मीडिया पर अपने अपने ग्रुपों में चिकन डेंगू के किस तरह के प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किस तरह से डेंगू से बचाव होना चाहिए और लगातार सोसाइटियों में भी डेंगू के जो मच्छर जो पनपते उसको उसके लिए दवाई का छिड़काव हो रहा है, फॉग मशीनें चलाई जा रही है। तो ये सोसाइटियां जो कॉलोनी अपने स्तर पर प्रयास करें लेकिन विभाग जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम सिद्ध हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लापरवाही दिखा रहा है। इस कारण से डेंगू के मरीज दौरे बढ़ रहे हैं और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वास्थ्य विभाग और जो नगर निगम विभाग है इन लोगों का समन्वय नहीं। चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज कहाँ ज्यादा मिल रहे हैं, किस जगह पर आ रहे हैं, ये नगर निगम से स्वास्थ्य विभाग को साझा करना चाहिए। जब स्वास्थ्य विभाग ये साझा करने के बाद नगर निगम उन जगहों पर छिड़काव करे, सबसे ज्यादा जो छोटी बस्ती है चार गंदगी जहाँ पानी भरा हो क्या वहां सबसे ज्यादा मरीज मिल रहा है। और ये सबसे ज्यादा जो बताया आपने रिजवान ने की जो 15 साल तक के बच्चे उनको ज्यादा असर आता, बुजुर्गो पे सबसे ज्यादा असर आता, पागल और अभी आज इंदौर का मौसम थोड़ा बदला है और हल्की बूंदाबांदी, अगर मौसम बदलने वाला अगर जारी थी तो एक बार और फिर बारिश के कारण से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। बात बिल्कुल संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन जैसे कि जिक्र हुआ कि साफ सफाई बेहद जरूरी है और इंदौर में साफ सफाई पर बेहद ध्यान दिया जाता है, पैसा ज्यादा साफ सफाई पर खर्च होता है। अगर यही स्थितियां बाकी जगहों पर निर्मित हो जाए यानी साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना या साफ सफाई को महत्वपूर्ण मानना तो शायद बाकी जगहों पर भी हम देखें कि इस तरह के मच्छर पनपने में लोगों को ये समझ आएगा कि अगर साफ सफाई है तो उन्हें भी साफ सफाई की आदत हो जानी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी ढिलाई प्रशासन की भी, विभाग की भी और फिर जनता, कई बार ऐसी भी खबरें आई कि कचरे वाली गाड़ी नहीं आई तो लोगों ने 2 दिनों तक कचरा तो रखा, तीसरे दिन जाके फेंक दिया, तो बात वहीं आ जाती है। फिर लौट रही हूँ, अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ग्वालियर में क्या स्थिति है, क्योंकि ग्वालियर में भी पिछले बार के हिसाब से अगर देखें तो आंकड़े सामने जो आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि वहां पर अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं और हर बार जब डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज सामने आते हैं जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है और इस तरह के पेशेंट सामने आना शुरू हो जाते हैं तो जब जहां जिस इलाके में इस तरह की स्थितियां हैं वहां पर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या हाल डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों के और किस तरह का आंकड़ा सामने आ रहा है ग्वालियर से? अजय जी, पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में डेंगू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में अब तक 900 का आंकड़ा पार हो चुका है, वहीं 4 की मौत हो चुकी है। वहीं मैं आपको अगर नए मरीजों की बात कराऊं तो कल 352 सैंपल लिए गए थे जिसमें की 36 मरीज पॉजिटिव आए हैं, जिसमें की 21 ग्वालियर के, अन्य जिलों के 16 मरीज है जिसमें 2 बच्चे भी हैं। वही मैं आपको बता दूं ग्वालियर में अन्य जो जगह है यहाँ पर डीडी नगर है, दीनदयाल नगर है और सिटी सेंटर है, पटेल नगर है, जहाँ पर ज्यादा मरीज आए हैं। तो यहाँ पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुआ है और वहां पर लोगों से अपील कर रहा है कूलरों में पानी ना भरें, एक दिन से ज्यादा पानी का जो भराव है वो ना रहे और वहीं प्रशासन अपील लोगों से कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जो डेंगू हो रहा है उसके साथ साथ चिकनगुनिया ने भी दस्तक दे दी है और लोगों में जो लोग परेशान बुखार से थे अब वो दर्द से भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो चिकनगुनिया का जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो अभी भी नेगेटिव ही आ रहे हैं, इसलिए लोगों में परेशानी बनी हुई है। जी पारुल जी, लौटूंगी आपके पास। सोमनाथ जबलपुर से बने हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग इस पर किस तरह के प्रयास कर रहा है? सोमनाथ, अगर पेशेंट्स आ भी रहे हैं तो इनकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम डेंगू चिकनगुनिया का नाम सुन रहे हो लेकिन उसके बाद अगर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हर बार आपको एक ही बात बतानी ये पड़ रही है कि मच्छरों से अपना बचाव कीजिए, आसपास आपके पानी ना भरा हो इस बात का ध्यान रखिए, यानी मच्छर कोई भी हो खतरनाक तो होता ही है, इस बात को बार बार जनता को अब बताना पड़ रहा है तो ये जाहिर सी बात है पता तो है ही और एक बार की पहली बार की तो बीमारी नहीं है, लेकिन क्यों आखिर लोग इस पर लापरवाही बरत रहे हैं? इसे लापरवाही ही कहा जाएगा, जागरूकता की कमी नहीं कहा जाएगा? सोमनाथ, देखिए, अभी मैं जिला अस्पताल बिटूरिया में खड़ा हूँ, वहाँ पर जो मरीज है लगातार 200 से अधिक मरीज आ रहे हैं जिसमें से 50% की बात की जाए तो बुखार, डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों के लिए मरीज आ रहे हैं। तो मरीजों की संख्या में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है लेकिन जागरूकता भी की जा रही है। हमारे पीछे कुछ जगह जिला अस्पताल ने कैंप भी लगाए हुए हैं जो जागरूक कर रहे हैं लगातार कि किस तरह के जागरूकता करना चाहिए। तो जबलपुर में जो मरीज है संख्या तो बढ़ोतरी हो रही है लेकिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है और देखा जा रहा है तो 200 से मरीज लगभग ओपीडी में आ रहे हैं। अभी
ये हमारे साथ बैठे, कैंप भी लगाया गया है हमारे साथ, ये लालू जी है, ये बताए सर ये कैंप जो लगाया गया है किस लिए कैंप लगाया गया, जो आपने ये पीछे लगाया गया जो कैंप सेवा भारती के द्वारा निरंतर जो है कोविड के समय से यहाँ सेवाएं दी जा रही है, और जितने भी है अपने मरीज है उनको हिदायत दी जाती है कि अपने आस पास जो गड्ढे है ना उसमें पानी भरने ना दे और गंदगी ना करें, क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठे होते हैं वहां पे ज्यादा खतरा रहता है कि डेंगू मच्छर का। और अपने घर के अंदर जो फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे वाला जो डब्बा होता है जिसमें पानी भरा रहता है, वो भी समय समय पर खाली किया जाए जिससे कि डेंगू का प्रकोप बढ़ने ना दे। क्या जिला अस्पताल में जागरूकता के लिए किस तरह का आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग तो निरंतर उनको सुझाव यही दे रहे हैं कि साफ साफ सफाई अपने यहाँ रखें, और ज्यादा से ज्यादा जैसे बुखार होता है तुरंत इसकी यहाँ पे जांच करवाए डेंगू का। अभी बात की जाए तो दिन भर में कितने मरीज ओपीडी में, तो 200 के आसपास आंकड़ा चलता है, 300 के लगभग मरीज डेली आ रहे हैं। किस तरह के बुखार से? वायरल फीवर ज्यादा आ रहे हैं, डेंगू तो अभी निरंतर में है ज्यादा बढ़ने, लेकिन वायरल फीवर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। जागरूकता जी बता रहे थे लौटूंगी आपके पास, किया जा रहा है जागरूक लोगों को, किया जा रहा है लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन ये सभी को पता है कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। आप बर्तन झूठे बर्तनों में खाना क्यों नहीं खाते, क्यों उन्हें धोकर खाते हैं? पता है ना आपको कि उस गंदी चीज में नहीं हम दोबारा उसी चीज को खा सकते जो हमारे सेहत को दोबारा नुकसान पहुंचा सकती है अगर हमने ऐसा किया तो। ये सभी को पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही कर रहे हैं तो डेंगू चिकनगुनिया अपने पैर पसार रहा है। बहरहाल इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। पालीवाल साहब, डेंगू चिकनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, भोपाल में आंकड़ा और भी ज्यादा विस्तार ले रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त मतलब पिछले 3 सालों में जितना डेंगू और चिकनगुनिया नहीं हुआ था, इस वक्त उससे कहीं ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया के रोगी देखे जा रहा है जी। निश्चित तौर पर ये सही है, और ये सही समाज में यहाँ हुआ या मतलब सारे जिलों में देखे, मध्य प्रदेश में देखे, बाकी अन्य जिलों में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न एक और उठता है कि अब की बार का जो बुखार है ये पहले जो बुखार था सामान्य तौर पर 1 सप्ताह में ठीक हो जाया करता था, लेकिन अब की बार का कुछ लोगों को बुखार इतना बेकार किस्म का चल रहा है कि 8 दिन 10 दिन 12 दिन और 2 हफ्ते तक कई बार ये समय ले लेता है। ऐसे में पेशेंट की आजीविका टूटती है, उसका रूटीन खराब होता है, उसकी अर्थव्यवस्था टूटती है, और शरीर को जो नुकसान होता है, शरीर और संपत्ति दोनों को नुकसान जो होता है वो तो होता ही है। मैं इस वक्त जो रोगियों में जो परेशानी देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि लोग 8-8 दिन 10-10 दिन 2-2 हफ्ते के इलाज के बावजूद कई बार अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस नहीं कर पाते, और लगातार उनकी शरीर की कमजोरियां और जो बीमारी के लक्षण के कारण उनका रूटीन बिगड़ा हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उनका कारोबार बिगड़ा हुआ, शरीर तो निश्चित तौर पर संकट में आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, एक सवाल और मैं योगेश आपसे लूंगी। आपने भी अभी कहा था कि जितना भोपाल में हम चिकनगुनिया या डेंगू के पेशेंट्स देख रहे हैं उससे कम ही है ये आंकड़ा, मानते हैं कि वहाँ की जनता ये समझती है कि जो बीमारियाँ पनपती हैं वो गंदगी से पनपती है, इसलिए भी उन्होंने अपनी सफाई में स्वच्छता में भागीदारी दर्ज कराई और अब उसका नतीजा भी उन्हें मिल रहा है? योगेश, साफ सफाई को लेकर जनता की भागीदारी और उसका नतीजा आपकी डेंगू की या चिकनगुनिया के पेशेंट्स उस तरह से बढ़े नहीं है जिस तरह से भोपाल में आंकड़ा आया जी। शायद जी जी कहिए। पारुल, नौर शहर में जो है स्वच्छता होने के कारण से जो मरीजों की संख्या है वो नहीं होना चाहिए। हमारा दर्द ये है कि जो डेंगू के इतने मरीज मिलना सही ना, कहीं सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे नंबर वन हो गए। स्वच्छता में नंबर वन होने के बाद में ये तो होना चाहिए कि डेंगू के मरीज बहुत नगण्य होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, लेकिन संख्या बहुत अधिक है। जितनी अधिक संख्या है उस कारण से लगता है कि नगर निगम अपने काम में असफल है, स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने में असफल है, और इसका सबसे बड़ा खामी है जो जनता को भुगतना पड़ता है, और जनता कहीं ना कहीं अपने प्रयास स्वयं से प्रयास कर रही थी कैसे डेंगू से बचाव किया जाए, कैसे अपने घरों को स्वच्छ रखा जाए, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर जो है अभी भीड़ भाड़ का माहौल चल रहा है, त्योहार चल रहे हैं, ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक भीड़ जमा होने के कारण से
वहाँ मच्छरों की संख्या बहुत थी। हमने कई आयोजन में दो तीन आयोजन में गए, हमने देखा कि बड़ी संख्या में मच्छर है। तो इसका कारण ये कि आसपास की सफाई नहीं है। जहाँ सार्वजनिक स्थान जहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वहाँ पर नगर निगम को करना चाहिए कि फॉगिंग मशीन चलाई जाए, दवाई छिड़काई जाए, क्योंकि वो भी जनता का एक ऐसा मामला है। जवान भले सार्वजनिक कार्यक्रम कोई और करा रहा है लेकिन वहाँ जनता जुट रही है। जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि पहले भी हम देखते हैं कि सीजन में इस तरीके का परिवर्तन आने के बाद जगह जगह आंकड़े बढ़ते हैं, तो आपने भी फॉगिंग वगैरह का जिक्र किया। नगर निगम के क्या प्रयास हो रहे हैं सोमनाथ, फॉगिंग वगैरह हो रही है वहां पर, या अगर डेंगू का मच्छर पनप रहा है जिस एरिया में तो जाके सर्वे किया जा रहा है, कुछ तो कोशिशें उनकी तरफ से हैं? अनम्यूट कीजिए सोमनाथ जी। जी नगर निगम द्वारा अभी बीच में जागरूक किया गया था और फॉगिंग मशीन भी चलाई गई थी, सफाई के लिए भी विशेष तौर पर बताया गया था। तो कुछ ऐसे बस्तियां हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां पे जरूर मरीजों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन सीवेज वगैरह का, नालियों का सही प्रबंधन नहीं होता है, उनका वेस्ट या उनका घर का पानी बाहर यूं ही चला जाता है, वो भी गलतियां हैं, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि बस्तियों में कहां सरकार विकास के काम करेगी। इसलिए आवास योजना जैसी ये चीज़ें हुई कि उनको झुग्गियों से शिफ्ट किया जाए, बस्तियों से शिफ्ट किया जाए, उन्हें घर मिले, ताकि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। तो प्रयास तमाम है सरकार के भी। अजय छोटा सा कमेंट इस पर। अजय कहिए, अजय आवाज़ नहीं आ रही। अजय को बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए डेंगू चिकनगुनिया को लेकर हम बात कर रहे थे और डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप कुछ इस तरह है कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है, भोपाल में आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। ज़रूरी ये है कि अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर मच्छर हैं, पहले तो अपने घर के आसपास सफाई रखिए, अपने घर के अंदर सफाई रखिए, बाहर भी देखिए गंदगी नहीं होनी चाहिए। और अगर आसपास भी कोई ऐसा प्लॉट खाली आपके आसपास ऐसी कोई जगह है, किसी ने अपने छत पर स्टोर करके रखा हुआ पानी के लिए, तो प्रशासन को नगर निगम को कंप्लेन कीजिए, क्योंकि ना केवल वो उनके घर वाले बीमार होंगे, आप अगर थोड़े बहुत जागरूक भी हैं तो आप भी बीमार हो जाएंगे। मच्छर आपको भी डेंगू या चिकनगुनिया दे सकता है, तो पहले इस बात को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। और उसके बाद आप इस एरिया में, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां आप ग्रीनरी है, जंगल है या पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो वहां पर भी घास वास है, तो वहां पर भी मच्छर मक्खियां होते हैं, तो आप मच्छरदानी का उपयोग कीजिए सोते वक्त। आपके घर के जो बच्चे हैं, जो अगर वो बाहर जाते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मच्छरों को दूर रखती हैं बच्चों से, उनका उपयोग कीजिए घर में मच्छरदानी में। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, सब जानते हैं आप, उसके बाद भी अनजान बने रहते हैं, लापरवाहियाँ करते हैं और फिर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। आप प्रशासन की भी बात कर लें तो वो भी कितना फॉगिंग करेगी, आपके घर के रूम में आके तो फॉगिंग नहीं की जा सकती ना। तो कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी भी हैं, जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वच्छता पर ध्यान दीजिए और डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छरों को खुद भगाइए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।